हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने लेके आए हैं मशरूम। आप लोगों को पता होगा मशरूम में बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, बहुत सारे विटामिन है। आप इसको अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। आप जिसे बहुत सारे मशरूम पसंद है उन्हें भी, उनके लिए भी अच्छा है। आप लोगों को पता होगा मशरूम कितना फायदेमंद है। आज हम बनाएंगे विदाउट ऑनियन गार्लिक से हम आज मशरूम बनाएंगे। आइए कैसे बनाते हैं। एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए कुछ नया रेसिपी हो तो आप लोगों को पहले पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर मशरूम लिए। मशरूम का बहुत सारा वैरायटी है, लेकिन हमने यहाँ पर पैडी स्टर मशरूम लिए। ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। पैडी स्टर मशरूम दिखने में ऐसे होता है, आप देखिए। देखिए हमारा मशरूम दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको हमें चार हिस्से में, एक मशरूम को हम चार हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। चार हिस्से में हम इसको काट लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर काट लिए हैं मशरूम को चार हिस्से में। देखिए ये रहा एक हिस्सा, इसका और एक हिस्सा ए वाला, इसका और एक हिस्सा ए और एक हिस्सा ए, हो गया चार। एक मशरूम को हमें चार हिस्से में काट लेंगे। बड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा रखना चाहे तो बड़ा रख सकते हैं। को तीन बार अच्छे तरह से साफ कर चुके हैं, ये रहा चौथी बार। अब हल्दी पानी में इसको थोड़े देर तक रखेंगे ताकि इसका कीटाणु खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक स्पून जीरे लिए हैं, कुछ टुकड़े अदरक लिए हैं, काली मिर्च लिए हैं, दो लाल मिर्च लिए हैं और दालचीनी ली है और एक चॉप हुआ टमाटर लिए हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा और मसाला भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। हम ये सब मसाले को ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला ब्लेंड है। हमने यहाँ पर टमाटर को ब्लेंड नहीं किए हैं, चॉप हुआ टमाटर हम बाद में डालेंगे। पैन लेते हैं, इसमें एक स्पून ऑयल डालते हैं। देखिए गरम हो गया, आप मसालों को डालेंगे। अब मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मसाला में एक स्पून सॉल्ट डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मसाला को। देखिए मसाला उबल रहा है। अब थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मसाला को। थोड़े देर के लिए इसको कवर कर लेते हैं। देखिए मसाला बन गया है। देखिए ज़्यादा पानी था, अब पानी सूख गया है। अब थोड़ा टमाटर डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मशरूम को डालेंगे। देखिए पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है मशरूम से। अब थोड़े देर के लिए इसको कवर कर लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा बॉईल हो चुका है, आप थोड़े देर के लिए बॉईल करेंगे। देखिए हमारा मशरूम बन गया है। आप भी बनाइए बिना प्याज और लहसुन में मशरूम, और खाने भी बहुत टेस्टी है। मैं इसको लोगों से टेस्ट करवाया, लोगों ने बोले कि अच्छा है। आप बनाइए और टेस्ट कीजिए। हेलो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, प्लीज एक लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।